हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल के बारे में, जिसे जेयू कोलकाता भी कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी ये बता दिया था कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो पीजी एडमिशन हैं उनमें एमएससी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज हैं, डे शिफ्ट में कौन से जो कोर्सेज हैं उनके अंदर सीट्स अवेलेबल है, और इवनिंग शिफ्ट में कौन से कोर्सेज के अंदर जो शिफ्ट सीट्स हैं वो अवेलेबल है। इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न रहता है जादवपुर यूनिवर्सिटी का, वो एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, कितनी उसकी मार्किंग स्कीम होती है, क्या नेगेटिव मार्किंग स्कीम होती है, क्या कट ऑफ रहती है जिस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। वीडियो को कंटिन्यू करें उसके पहले, यदि आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो पहला चीज तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो मैं वापस से क्लियर कर देता हूँ कि 80% सीट्स जो हैं वो रिजर्व है, जो कि जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के लिए, यानी कि जिन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है उनके लिए रिजर्व है। 20% सीट्स के अगेंस्ट क्या होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है तो जो भी कोटा है, यानी कि एससी एसटी या ओबीसी जितना भी जो कोटा होता है, वो केवल वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स के लिए होता है, बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं सारे जनरल में कंसिडर होते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जैसे फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, डे शिफ्ट के अंदर 45 सीट्स हैं और इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी 45 सीट्स हैं। तो 20% यानी कि जो 9 सीट हैं उनके अगेंस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन से बच्चे आएंगे। अब वो जादवपुर यूनिवर्सिटी के भी हो सकते हैं और जादवपुर के बाहर के भी हो सकते हैं। तो पैटर्न जो रहता है उसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो 50 क्वेश्चन आते हैं। ईच जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो 100 मार्क्स के हो जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो 0.5 होती है ना। नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाती है, 0.5 इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस वही रहता है जो लगभग आपकी ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है। इवन जादवपुर यूनिवर्सिटी की जो बीएससी ग्रेजुएशन है उसमें जो उन्होंने पर्टिकुलर बीएससी के अंदर पढ़ा है वो वहाँ का सिलेबस रहता है। और मोर एंड लेस आप जो आपने प्रिपरेशन की है सीयूईटी पीजी फिजिक्स या आईआईटी जैम का जो सिलेबस है उसको बेस मानकर आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए और उसके अकॉर्डिंगली आपको एग्जाम देना है। क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है बाहर के स्टूडेंट्स के लिए तो जो कंपटीशन है वो अच्छा खासा रहता है। यूनिवर्सिटी की रैंकिंग वगैरह भी बहुत बढ़िया है तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं यहाँ का एग्जाम देने के लिए। तो जो एडमिशन है वो लगभग 50% कट ऑफ आप पार कर लेंगे, यानी कि आपके 100 में से 50 प्लस नंबर आ जाते हैं तो आपका यहाँ पर एडमिशन पॉसिबल है कि हो जाता है, है ना। 100 में से 50 प्लस नंबर आ जाते हैं तो एडमिशन है कि पॉसिबल है कि हो जाता है। एग्जाम डेट जो है वो कब है वो, या एग्जाम फॉर्म कब निकलेंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था लास्ट वाले वीडियो में भी कि क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और ज़्यादातर जो सीट्स हैं वो रिजर्व हैं इसके लिए, जो वहाँ के ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हैं। तो इट डिपेंड्स कि वहाँ का जो ग्रेजुएशन का एग्जाम है वो ओवर हो गया है, कि वहाँ का जो बीएससी फाइनल ईयर के एग्जाम है जब वो ओवर हो जाएंगे, उनके रिजल्ट आ जाएंगे तो यहाँ इनका एग्जाम हो जाएगा। लास्ट ईयर जो इनका एग्जाम हुआ था वो हुआ था सितंबर में, तो मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है कि जुलाई लास्ट में या अगस्त के अंदर इसके एग्जाम हो जाए। एग्जाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको एक क्वेश्चन पिक करना है। क्वेश्चन जो पेपर का टाइमिंग है वो 1 घंटे होगा, यानी कि 1 घंटे के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करना है। इसका मतलब जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होंगे, ऐसे क्वेश्चन होंगे अगर जिसमें आप फॉर्मूला लगाओगे और आंसर निकाल लोगे। तो आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी के बीच का जो कुछ है थोड़ा बहुत उस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, पर एक्यूरेसी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि सीट्स कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है। तो इस वीडियो में इतना ही, होपफुली ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कोलकाता यूनिवर्सिटी है या कैलकाटा यूनिवर्सिटी है उसका जो पीजी एडमिशंस होता है उसमें एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न होता है और जो मार्किंग स्कीम है उसकी वो क्या होती है। तो वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और पॉसिबल हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।